गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में हिस्ट्री या इतिहास है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 भारत का स्वर्णिम इतिहास वो चल रहा है। आपको बच्चों पता है उसमें से कुछ टॉपिक हट चुके हैं, जो शेष टॉपिक है जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत में चोल राजवंश, साहित्य कला परंपरा, स्थापत्य कला, ये आपके सिलेबस में है। शेष टॉपिक आपके हट चुके हैं। तो कल हमने अशोक के धम्म के बारे में पढ़ा था। अशोक के धम्म का जो 5वां बिंदु था उसको एक बार पुनः से अशोक के जो बच्चे बिंदु हैं इनको पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसकी जन कल्याण की अवधारणा के बारे में हम देखेंगे। तो जैसा आपको पता है 5वां बिंदु था श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता का अभिप्राय क्या है? श्रेष्ठ नैतिक आचरण, प्रेम, दया, सहानुभूति, सभी धर्मों के प्रति नीतिगत व्यवहार, पवित्र आचरण, सदाचार, श्रेष्ठ आचार, श्रेष्ठ व्यवहार, सत्यवादिता, सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता के अंतर्गत जो हमारी श्रेष्ठ पवित्रता है, नैतिकता है, नैतिक मूल्य है, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है, उनको जीवन में, सामान्य जीवन में शामिल करना। जैसे कि श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए, हमारा व्यवहार वो सदाचारपूर्ण होना चाहिए और सत्यवादी होना चाहिए। तो विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपना प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार संहिता को प्रस्तुत किया उसे ही अभिलेखों में अशोक का धम्म कहा गया है। तो अशोक का धम्म का अभिप्राय कोई धर्म विशेष से नहीं था। अशोक ने कोई विशेष धर्म प्रचलित नहीं किया था, बल्कि उसने सभी धर्मों के लिए एक आचार संहिता, सभी धर्मों को मिलवाकर, सभी धर्मों के समन्वय से एक नैतिक आचार संहिता प्रकाशित की थी, जिसे अशोक के अभिलेखों में, शिलालेखों में, गुहा अभिलेखों में, स्तूपों में, चैत्यों और विहारों में, जिसे अशोक का धम्म, धम्म शब्द है पाली भाषा का, जिसे हम धर्म कहते हैं, धम्म का सिद्धांत या धर्म का सिद्धांत, वो हर संप्रदाय, हर धर्म के लिए उतना ही मान्य, उतना ही स्वीकार्य है। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति को धम्म कहा गया है। उस व्यापक नीति को हम धम्म कहते हैं, जो सामान्य व्यवहार के एक नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक है। तो उसने, अशोक सम्राट अशोक ने विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, संस्कृतियों को एकता के सूत्र में बांधने, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नैतिक आचरण, नैतिक संहिता, नैतिक सिद्धांतों की एक संहिता प्रकाशित की थी सभी धर्मों को लेकर, जिसे अशोक का धम्म या अशोक धम्म कहते हैं, अशोक का धर्म कहते हैं। वो धम्म कोई धर्म विशेष या बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि एक सामान्य नैतिक धर्म की संहिता थी जो सभी धर्मों के लिए, उसमें मुख्य रूप से भारत में 3 ही धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, या जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। तो धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय, हर धर्म के लिए उतने ही व्यापक थे, उतने ही मान्य थे, क्योंकि सभी धर्मों को मिलाकर अशोक ने जिस संहिता, जिस कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया था, वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोई धर्म विशेष नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की एक नैतिक संहिता थी, जिसे धम्म या धर्म कहा गया था, जिसे अशोक के अभिलेखों में, शिलालेखों में, गुहा अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाया गया था। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में सर्वाधिक बल सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ है कि सभी धर्मों में समन्वय, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, सभी धर्मों के प्रति समान आचरण, सभी धर्मों के अंतर्गत पारस्परिक सामंजस्य, वैमनस्य के स्थान पर प्रेम, विचार, आदर्श, विश्वास, धर्म, भाषा में सहिष्णुता। इसे अशोक ने अपने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में और दूसरे शिलालेख में उल्लेखित किया है। सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी वर्णों के लिए, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता,
दूसरा विभिन्न विचार, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं के बीच में सहिष्णुता, प्रेम, सहयोग, जिसे अशोक ने अपने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में भी उत्कीर्ण करवाया है और दूसरे शिलालेख में बाकायदा अशोक ने इसका उल्लेख किया है। ये जो धर्म सिद्धांत है वो सभी धर्मों के लिए मान्य है, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, ये तो सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों में ये कहा गया है। गुरुओं के प्रति आदर, गुरुओं के प्रति आदर होना चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए, गुरुओं के प्रति आदर सत्कार हो, दासों के साथ, गुलामों के साथ उचित व्यवहार हो, करुणापूर्ण व्यवहार हो, दया हो, धर्मसार, धर्म में वृद्धि कैसे हो, धर्म का सार कैसे निकले, धर्म के गूढ़ रहस्य को कैसे समझा जाए, इसके अलावा वाणी का संयम, वाक संयम का अर्थ है वाणी का संयम रखें, किसी को बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सुनना, वाणी का संयम हो, समवाय हो, समव्यवहार हो पर बल दिया। धर्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत है अहिंसा था, अहिंसा परमो धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चाहे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वो अहिंसा पर जोर देते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी अपने अहिंसा सिद्धांत को सर्वोच्च तत्व पर पहुंचा दिया था, जिसके तहत मन वचन कर्म से व्यक्ति को अहिंसक रहना चाहिए। जैन धर्म के जितने भी आपको हीनियान, जैन धर्म में जितने भी शाखाएं, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे बौद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान और महायान, वो अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। जीवों के प्रति, जीवों के प्रति, पेड़ों के प्रति, वनस्पति के प्रति किसी प्रकार को उन्हें किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी प्रकार से उन्हें पीड़ित नहीं करना, तो जिसका अर्थ है युद्ध और हिंसा की हर भावना का, मन में भी यदि हिंसा का भाव है तो उसको त्याग देना, हर प्रकार से हिंसा को त्यागना, हर प्रकार से अहिंसा का आचरण करना, जीव हत्या का विरोध करना, जो उसके प्रथम और 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। जन कल्याणकारी कार्य, अशोक ने, आपको पता है अशोक महान, द ग्रेट अशोका, अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध माना गया है। अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों में उसके द्वारा सरायों, अस्पतालों, सड़कों, सड़कों के किनारों, बगीचों, पेड़ पौधों, सरायों, औषधालयों के निर्माण के बारे में वर्णन मिलता है। अशोक के अभिलेखों में बाकायदा कहा गया है, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जो अशोक के उपाधियाँ थी, मास की और गुजरा में उसका नाम केवल अशोक मिलता है, अशोक के अन्य अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। तो धम्म नीति, ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो आम नागरिक के कल्याण से संबंधित थे, जनता के कल्याण कैसे हो, जनता का कल्याण में वृद्धि कैसे हो, जनता का भला कैसे हो, जनता का जीवन किस प्रकार सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, उसके 7वें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में वर्णित किया गया है, जिसमें क्या कहा गया, वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाना, सरायों का, सड़कें, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण कैसे किया जाए, वृक्ष पेड़ों के किनारे, वृक्ष बगीचे, बागान, पेड़ों, सड़कों के किनारे वृक्षों का, सरायों का, औषधालयों का, इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं के लिए या अन्य भिक्षुओं के, सन्यासियों के लिए गुफाओं का, गुहा मंदिरों का, विहारों का निर्माण कैसे हो, सड़कें कैसे बने, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कैसी हो, कुएं, सार्वजनिक कुएं, धर्मशाला, सराय, औषधालय, चिकित्सालय आदि के निर्माण की व्यवस्था की। अशोक की पहला बिंदु, अशोक के 9वें शिलालेखों में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाह्य आडंबरों की निंदा की गई है। तो अशोक ने अपने 9वें शिलालेखों में तो अंधविश्वास, कर्मकांड, वेदों में या यज्ञों में बलि, निरर्थक अनुष्ठान, खर्चीले अनुष्ठान, यज्ञ आदि किए जाते थे, उनकी निरर्थकता और बाह्य आडंबरों की निंदा की है। इसके साथ ही प्रथम स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति कैसे हो, धर्म कैसे प्राप्त हो, इसके लिए धर्म के गूढ़ रहस्यों को कैसे जान सके, धर्म के गूढ़ रहस्यों को या जो धार्मिक चिंतन है, प्रज्ञा शक्ति है, धर्म
धर्म और व्यक्ति के बारे में, उसके लौकिक और परलौकिक जीवन के बारे में, धर्म के गूढ़ रहस्य के बारे में जानने के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्म दान, शुश्रूषा यानी कि सेवा आदि की व्यवस्था की। तो प्रथम शिलालेख में, प्रथम स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति कैसे हो, धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके लिए धार्मिक यात्रा, धर्म मंगल, धर्म दान, शुश्रूषा, सेवा आदि की व्यवस्था की गई। अशोक दूसरे शिलालेख में धर्म की परिभाषा स्वयं बताता है। अशोक अपने दूसरे शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कहता है, क्या कहते हैं, उपासनवे बहु कथानी दया दानी सचे सोचये माधवे साधवे च, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति क्या रहे, धर्म के बारे में क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति है वो पापों से दूर रहे, बहु कथानी पापों से दूर रहे, कल्याणकारी दयादानी सच्चे सोचे माधवी कल्याणकारी कार्य करे, दया माने दया, दानी माने दान, सच्चे माने सत्य, माधवी माने पवित्रता, साध्वी माने मृदुलता, मधुर आचरण का अवलंबन करे। तो दूसरे स्तंभ लेख में अशोक धर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं, उपासनवे बहु कथानी दया दानी सचे सोचे माधवे साधवे, अर्थ व्यक्ति है वो पाप कर्म से, गलत कर्मों से दूर रहे, अहिंसा का अपनाए, धर्म को अपनाए, धर्म की प्रकृति या धर्म के गूढ़ रहस्य को समझे, पापों से विमुक्त रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया दान करुणा सत्यता पवित्रता मृदुलता को अपनाए। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ लेख में कहता है कि प्रचंडता निष्ठुरता क्रोध घमंड ईर्ष्या आदि का निषेध का कहता है, इसके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, निजति करे यानी सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे। तो तीसरे शिलालेख में स्तंभ लेख में अशोक क्या कहता है कि वह प्रचंडता, धर्म की प्रचंडता या कठोरता, निष्ठुरता, निष्ठुर यानी कि सूखा आचरण, निष्ठुर आचरण जिसमें किसी प्रकार की दया करुणा नहीं हो, निष्ठुरता जिसमें किसी प्रकार की दया करुणा का भाव नहीं हो, क्रोध हो, घमंड हो, ईर्ष्या हो, इन सबको हमें त्याग देना चाहिए, इसका निषेध होना चाहिए, इन सभी को हमें त्याग देना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, अपने को देखे, अपने को सोचे, अपने आचरण पर व्यवहार पर नजर रखे और निजति करे और सबके साथ अच्छा मधुर मीठा पवित्र आचरण करे। धम के फ्लीट ने अशोक के धम को, धम वास्तव में अशोक का धम कोई एक धर्म विशेष नहीं था या बौद्ध धर्म नहीं था, तो कुछ विद्वान फ्लीट जैसे विद्वान जो विदेशी विद्वान हैं उनका मानना था कि धम का मतलब राजधर्म। दादा कुमार मुखर्जी ने सार्वभौमिक धर्म और भंडारक ने उसे उपासक बौद्ध कहा है। यद्यपि आपको पता है कि अशोक का धर्म था, व्यक्ति रूप से अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो उसके धर्म सिद्धांत है वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, उसने सभी धर्मों के समन्वय से सभी धर्मों के लिए एक नैतिक आचार पूर्ण एक संहिता प्रकाशित की जिसे हम धर्म कहते हैं। धर्म को जो फ्लेट महोदय है उसको हम वो राजकीय धर्म कहते हैं, राधा कुमार मुखर्जी ने इसे सार्वभौमिक धर्म कहा है और भंडारकर ने उसे उपासक बोध कहा है। यह सत्य है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। महावंश और दीपवंश में अनुसार अशोक ने मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था और मोगली पुत्र तिष्य की सहायता में बौद्ध संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया था और उसके बौद्ध होने की पुष्टि करता है। सभी को पता है कि दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका के काव्य हैं उनमें बताया गया है, वर्णन किया गया है कि अशोक ने मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था और धम्म में एकता लाने, धम्म में या बौद्ध धर्म में मतभेदों को दूर करने, अनुशासन को लाने का प्रयास किया था। इससे उसके बोध होने की पुष्टि होती है।
धम्म के सर्वमान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था। वास्तव में धम्म क्या था? उसके सर्वमान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था। धम्म अत्यंत ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यवहारिक था। उसका धम्म सर्वमंगलकारी था। उसका उद्देश्य अशोक का धम्म था, वो उपासक बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि उसने सभी धर्मों के लिए एक नैतिक संहिता प्रकाशित की थी, जिसे हम धम्म कहते हैं, जिसका उपदेश उसके अभिलेखों में मिलता है। तो धम्म अशोक का धम्म था वो, या धर्म था वो, अत्यंत सरल था, सुबोध था, पवित्र था, नैतिक था, व्यवहारिक था, आदर्श था। उसका धम्म था वो सर्व कल्याणकारी, सभी धर्मों के लिए मंगलकारी, सभी धर्मों की कल्याण की इच्छा चाहने वाला, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र, जीव मात्र, जिसका उद्देश्य जीव मात्र, प्राणी मात्र का उद्धार करना। तो अशोक का जो धर्म था बेटा, अशोक का जो धर्म सिद्धांत था, वो सभी धर्मों के लिए, उसमें सभी धर्मों का समन्वय किया गया था। अशोक का धर्म में सभी धर्मों को मिलाया गया था। उसका जो धर्म सिद्धांत था वो अत्यंत सरल था, सुबोध था, पवित्र था, नैतिक था, व्यवहारिक था। उसका धर्म था वो सर्व मंगलकारी था। उसका उद्देश्य प्राणी मात्र का उद्धार करना, प्राणी मात्र का हित चाहना, प्राणी मात्र की भलाई करना, प्राणी मात्र की सेवा करना था। धर्म की नीति का क्रियान्वयन, तो जैसे मैंने आपको बताया, अशोक का धर्म सभी धर्मों के लिए एक नैतिक आचार संहिता थी। अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय अपनाए। आपको पता है, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध नीति का भेरी घोष के स्थान पर, यानी कि युद्ध घोष के स्थान पर, धम्म घोष या धर्म की विजय या धर्म का पताका फेरे, यह उसने नीति अपनाई थी। उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था, किंतु आम जनता के दुख दर्द की उसकी आवश्यकता को उसने समझा था। उसने नौकरशाही पर तत्काल न्याय देने और लोक हित के कार्य करने हेतु पाबंद किया था। उसने अपने प्रशासनिक नौकरशाही को तत्काल न्याय देने और लोक हित के कार्य करने के लिए पाबंद किया था। अशोक ने, जैसा आपको पता है, सम्राट अशोक ने, महान ग्रेट अशोका ने सार्वजनिक हित के कार्य किए। उसने सिंचाई, कुओं, सरायों आदि का निर्माण कराया। सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म को स्वीकार करना था। सम्राट अशोक ने, दूसरा बिंदु, सम्राट अशोक ने धर्म के उपदेशों को पत्थर की शिलाओं, स्तंभों, शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराया और जगह जगह ऐसे स्थानों पर लगाया जहां आम जनता उन्हें आसानी से पढ़ सके और उन्हें समझ सके। अशोक ने धम्म के सार्वजनिक और सार्वभौमिक बनाया। सम्राट अशोक ने धम्म को सार्वजनिक और सार्वभौमिक बनाया। उसने हिंसा का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और पशु बलि का उसने निषेध कर दिया। उसने समान कोड ऑफ कंडक्ट, समान नागरिक आचार संहिता, दंड सिद्धांत को अपनाया और उसे क्रियान्वित किया। इसके अतिरिक्त उसने जगह जगह पर धर्म महामात्र की नियुक्ति की। धर्म महामात्रों को, धर्म प्रचारकों को विदेशों में, चाहे श्रीलंका हो, चाहे तिब्बत हो, चीन हो, कोरिया हो, जापान हो, आदि देशों में उसने भेजा। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका उद्देश्य जनता में घूमकर उसका नैतिक और धार्मिक उत्थान करना, उसको कदाचार से रोकना था। तो ये हमने अशोक के 5 बिंदु है, वो अशोक के धर्म सिद्धांत के 5 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। इनको आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। धन्यवाद।